हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ ट्रिप टू लेक लुइस। आई होप अभी सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, हम लोग कैनमोर से लेक लुइस की तरफ निकले थे, जहां हमने एक स्पॉट कंप्लीट किया था जॉनस्टन कैनियन, और हमने उसकी ट्रेल्स कंप्लीट की थी जो इंपोर्ट सोर्सेज के लिए जाती हैं, प्लस लोअर फॉल्स एंड अपर फॉल्स कवर किया था। तो आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले वर्ल्ड फेमस एमेराल्ड लेक नेचुरल ब्रिज, जो कि पानी ने पत्थरों को काट के बनाया है अपने आप, टकावा फॉल्स एंड मोरेंट्स कर्व। तो चलिए आगे के सफर की शुरुआत करते हैं। ब्रिज अवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन ये जो है, ये है मोरेंट्स कर्व। तो ये लेक लुइस जाते हुए कवर कर सकते हैं, और वहाँ पे ऊपर देखो, ऊपर दिख रही है बर्फ भी है वहाँ पे ना, स्नो पड़ रही है, पड़ी हुई है देखो अभी फ्रेश, वो भी है इधर उस पे। ऊपर जाने का अपना तरीका नहीं है। मैं तो ग्लेशियर्स पे भी चले जाते हैं, क्योंकि वो ऑलमोस्ट उतना ही है जितना मैंने माउंट ये पीक किया है, थोड़ा सा ज़्यादा है। तो बस वही है कि ये आइस है, हमने नॉर्मल पाथवे पे किया है। तो हमारा नेक्स्ट स्पॉट है एमेराल्ड लेक, जो कि लेक लुइस से थोड़ा आगे है, क्योंकि हमारी सारी बुकिंग लेक लुइस की नेक्स्ट डे की थी, तो हमने एमेराल्ड कवर करने का सोचा। अगर आप लेक लुइस आ रहे हैं तो बिना एमेराल्ड लेक को कवर किए मत जाना। इन 10 किलोमीटर टर्न राइट ऑनटू शेमिन एमेराल्ड लेक रोड। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, हाईवेज और भी सुंदर होते जा रहे थे। ये हाईवेज के अलोंग एक रिवर भी थी जो बीच में आई, ये बहुत ही सुंदर हो गई थी, और मेरा मन बार बार कर रहा था कि मैं रुक के केवल ये नज़ारे एंजॉय करूं। एमेराल्ड लेक जाने के लिए रोड बहुत सीधा है। लेक लुइस विजिटर सेंटर से ट्रांस कैनेडा हाईवे BC1 लेना है, और ये 35 किलोमीटर तक सीधे चलते जाना है। वहां पर हाईवे से आगे ही साइन मिल जाएगा, राइट की तरफ मुड़ना है, एमेराल्ड लेक रोड का साइन मिलेगा जिस पे सीधे चलते जाना है। एंड ये लेक लुइस सेंटर से करीब 35 किलोमीटर के आसपास है, जो कि 35 से 40 मिनट लगेगा वहां। सो ये है एमेराल्ड लेक, समझ रहे हो क्यों है ये एमेराल्ड लेक? ये देखो, एमेराल्ड लेक योहो नेशनल पार्क में आता है, जो कि पार्क्स कनाडा के पास में कवर होता है, तो इसके लिए अलग से कोई पास लेने की जरूरत नहीं है आपको। और ये एक फेमस लोकेशन है इसके टर्कोइज जैसे पानी के कलर के लिए। यहाँ पर आप कैनोइंग कायाकिंग भी कर सकते हैं लेक लुइस से, जो कि थोड़ा सा सस्ता है। अगर आपको यहाँ रुकना है तो होटल्स एंड स्टे प्लेस भी हैं यहाँ, जो कि थोड़ी सी महंगी। एमेराल्ड लेक का एक लूप भी है, 5 किलोमीटर के आसपास शायद से, ऐसे जाओगे वो पूरा वहाँ से वहाँ तक वो पूरा घूम के आ सकते हो, और उसके बाद ये तो ये 5 किलोमीटर का ऐसा कुछ लूप है ना। तो एमेराल्ड लेक से आते हुए ना, सीधे उसी रोड पर ये पड़ता है नेचुरल ब्रिज। ये एल्टीट्यूड है इसका 1260, योहो नेशनल पार्क है, और यहाँ पे ये ब्रिज है, एक क्रॉस पार्क है वैसे तो ये, और यहाँ से ये एक काइंड ऑफ वाटरफॉल है।
माई बैड, यहाँ पर नेचुरल जो ब्रिज है ना वो ये नहीं है, ये है नेचुरल ब्रिज एक्चुअली, तो ये वाला ब्रिज है नेचुरल, यहाँ से आप उधर उधर उधर। ये एक नेचुरल ब्रिज है जो कि पानी के प्रेशर की वजह से अपने आप बना था। पानी का प्रेशर इतना था कि उसने पत्थरों को नीचे से काट दिया और इसने एक ब्रिज का शेप ले लिया जो कि क्रॉस करने के लिए ये रिवर बन गया। बाद में ये लोकेशन टूरिस्ट स्पॉट बन गई। तो दिस इज द नेचुरल ब्रिज, स्लिपरी है तो बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इसको इस अलग से एक पाथवे बना दिया क्रॉस करने के लिए, एंड ये नेचुरल ब्रिज पर ऊपर जाने के लिए रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। नेक्स्ट हम लोग जब वापस आएंगे ना एमिराल्ड से, तो टकावा फॉल से करके जगह, तो वहाँ जा सकते हैं। और ये गूगल मैप पे ना थोड़ी कंफ्यूजिंग है, तो फिर क्या नाम है, आप ना साइंस के भरोसे आना वहाँ पे रोड मैप पे ना। अगर आप उन एमिराल्ड से वापस आएंगे तो लेफ्ट में पड़ेगा, वहाँ पे साइंस लगे हुए हैं तो उसके हिसाब से आना। माउंटेंस छुपने लगे ऊपर ना, अब कितने अच्छे लगे। टकावा फॉल्स अंदर जाते हैं। इसका रोड मैप बड़ा कंफ्यूजिंग था गूगल मैप के साथ, बहुत अंदर है, मतलब अराउंड 19 किलोमीटर अंदर है हाईवे से ही, और सीधी रोड आती है तो वो आ सकते हैं। और फिर देखते हैं हाई, यहाँ अंदर मेरे को ट्रैक पे जाना पड़ेगा। 1-2 किलोमीटर की छोटी सी ट्रेल दिख रही है मुझे जो कि व्यू पॉइंट तक लेके जाती है अंदर, वो बाहर से भी दिखता ही है वैसे। और अगर पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं आपने बैंप ट्रिप की तो ज़रूर जाके देखो, और अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट में बताना अगर मेरी वीडियोस में कुछ कमी है तो आई विल ट्राई कि मैं बेटर कर पाऊँ। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।